एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते जब शिष्यों को थकान महसूस हुई तो उन्होंने गुरुवर से पूछा, हे गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा विश्राम कर लें। गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, चलो आप सब उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर लें। वट वृक्ष के नीचे काफी शीतल हवाएं चल रही थी। शिष्य विश्राम करने लगे, गौतम बुद्ध भी थोड़ी देर विश्राम करने लगे। अचानक उनमें से एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे तथागत, आपके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती है, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर जो अलग सी चमक है वह हमें दुखों से कोसों दूर रखने की प्रेरणा देती है, क्या आप बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी शिष्य चौंक जाते हैं, कहते हैं, हे गुरुवर, विचार तो आते जाते रहते हैं पर दुख एक बार आने के बाद जाता नहीं। बुद्ध शिष्यों की बात ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ एक वफादार नौकर काम करता था। सेठ उस पर बहुत विश्वास करता था। सेठ कभी भी किसी बात पर नौकर पर शक नहीं करता था, ना उसको डांटता था, ना मारता पीटता था। एक दिन की बात है कि सेठ जब अपने किसी काम से 2-3 दिन के लिए शहर गया और जब वो शहर से वापस आया कुछ दिनों के बाद, तो उसके हाथ में कीमती सामान था। सेठ ने नौकर को बोला कि इसे अच्छे से संभाल कर कमरे में रख देना। चूंकि सेठ जो लाया था बहुत महंगी चीज थी, नौकर ने उसको उस महंगी वस्तु को कमरे में रख दिया। सवेरे जब नौकर कमरे की सफाई कर रहा था तो वह चीज अचानक टूटकर गिर गई नौकर के हाथ से। सेठ को जब यह बात पता चली तो नौकर को खूब डांटा, उस पर खूब गुस्सा हुआ। लेकिन चूंकि वह नौकर सेठ का वफादार नौकर था, उसे वो नौकरी से नहीं निकाल सका। सेठ अब रात दिन वही महंगी वस्तु के बारे में सोचने लगा। उसके मन में गहरी दुख संवेदना भर गई। उस महंगी वस्तु के बारे में रात दिन सोच सोच कर परेशान होने लगा। रात को सेठ अपने कमरे में जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। जब वह बाहर आकर देखता है नौकर को, तो नौकर बड़ी गहरी नींद सो रहा है। यह देखकर सेठ क्रोधित हो जाता है। अभी सेठ सोचता है कि मैंने इतनी महंगी वस्तु, मेरी इतनी महंगी वस्तु तोड़ने के बाद इसे कैसे गहरी नींद आ सकती है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाता, वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस दुख और चिंता से कैसे निकलूं। अचानक उसके मन में एक उपाय सूझता है। वो नौकर के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत दुख लग रहा है, मैं जो तुम्हारे लिए कीमती सामान लाया था वो टूट गया। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा, यह तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी महंगी और कीमती सामान सेठ जी मेरे लिए लाए थे जो मेरे ही हाथ से टूट गई, फिर क्या था। नौकर के मन में बेचैनी थी, उसका मन दुखों से भर गया। उसे रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उसे सेठ की कीमती वस्तु को अपने से जोड़ दिया था। सेठ आराम से गहरी नींद सोता। पहले नौकर को नींद नहीं पता था कि महंगी वस्तु मेरे लिए है। जब उसने उस वस्तु से अपने आप को जोड़ा और उससे बड़ा गहरा धक्का लगा नौकर को कि मेरे हाथ से दी वस्तु नहीं टूटती तो ये मेरे हाथ में रहती। तो बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी भी चीज से यदि हम जोड़ते हैं, और हर चीज आपकी है पर कुछ समय के लिए आती है, वो कुछ समय बाद वो चीज आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को ही हमको स्वीकार करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने पुरानी घटनाओं को, जो आपके जीवन में दुख आ गया है, पुराने विचारों को छोड़कर हमें समय के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। वास्तविकता तो यह है, कोई भी चीज सदा के लिए इस दुनिया में नहीं रहती। तो धन्यवाद दोस्तों,
लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ऐसी गौतम बुद्ध की और विचारों को हम आप तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। धन्यवाद।